हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गोंद कटीरा रबड़ी बनाएंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने गोंद कटीरा लिया है। गोंद कटीरा को पूरी रात के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। देखिए, मैंने ये पहले से ही भिगो के रखा था। मैंने 4 दाने गोंद कटीरे के लिए थे, उसी से ही ये 1 कटोरी हुई है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भिगो लीजिएगा। अब हम रबड़ी बनाना शुरू करेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। मैंने मोटी तली का पतीला ले लिया है। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हम कलछी से अच्छी तरह चलाते रहेंगे। देखिए, किनारे में मलाई जम गई है, इसे भी हम खुरच कर इसमें निकाल देंगे। अब हम गैस का फ्लेम धीमा कर देते हैं। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम है ये। बादाम को मैंने 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और छिलका निकाल लिया है इसका। काजू लिया है 2 से 3 चम्मच। ये मैंने 4 इलायची लिया है, हरी इलायची है ये, और छिलका इसका निकाल लिया है कूट कर। देखिए, इस तरह से पीस कर अब हम डालेंगे इसमें। अब हम ढक्कन बंद करके पीस लेंगे। देखिए, मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे दूध में मिक्स कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। देखिए, दूध हमारा रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया है। अब हम चीनी डालेंगे। चीनी भी मेल्ट हो गई है। रबड़ी हमारी बनके तैयार है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए, रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने 1 बाउल लिया है, इसमें 2 चम्मच गोंद कटीरा डालूंगी। अब हम रबड़ी डालेंगे। अब हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लेंगे और गार्निश कर लेंगे इसे। हमारी गोंद कटीरा ड्राई फ्रूट रबड़ी बनके तैयार है। दोस्तों, गोंद कटीरा खाने के बहुत फायदे हैं। हम इसे गर्मियों में खाते हैं। गोंद कटीरा की जो तासीर होती है ना, वो ठंडी होती है, तो इसलिए हम गर्मियों में लेते हैं इसे। और गोंद कटीरा आसानी से जनरल स्टोर या मॉल वगैरह में मिल जाती है। दोस्तों, लाके जरूर ट्राई कीजिए। और ये गोंद कटीरा ड्राई फ्रूट रबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और यमी लगती है और हेल्दी भी है। दोस्तों, आपको मेरी ये डिश कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।